सप्ताह से आपके टीवी स्क्रीन पर शहीद उधम सिंह चौक पर किसानों का प्रदर्शन। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, गुलहचीका की शहीद उधम सिंह चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसान पहुंचे हैं और प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, किसानों ने कैंडल मार्च भी निकाला और इस दौरान श्रद्धांजलि भी दी गई। करनाल के एसडीएम पर कार्रवाई ना होने से किसान रोष में है, किसानों के अंदर गुस्सा है। किसानों ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दे दी है कि 9 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को और अभी तक जो मांगे हैं किसानों की, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो बात लगातार बोलते आए हैं कि इनको रद्द किया जाए, इन चीज को लेकर सरकार से दरअसल सहमति नहीं बन पाई है, बातचीत नहीं हो रही है। हर्ष, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं गुलहचीका से। हर्ष, तमाम किसान इकट्ठा होकर यहां पहुंचे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, गुस्सा साफ नजर आ रहा है किसानों के अंदर। जी बिल्कुल, बाकी देखिए जिस तरह से करनाल में लाठीचार्ज हुआ उसके बाद पूरे हरियाणा के किसानों में रोष फैल गया था और उसके बाद रोड जाम किए गए थे, परंतु जैसे ही उनकी मांगे मान ली गई, उनके साथियों को छोड़ दिया गया, रोड तो खोल दिए गए, परंतु रोष ऐसे की तैसे किसानों में है और लगातार जो लाठीचार्ज में किसान की मौत हुई है उसके बाद किसानों में गुस्सा और बढ़ गया है और लगातार जो किसान है वह जो एसडीएम है उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर गुलहचीका में रात है किसानों द्वारा श्रद्धांजलि देने के लिए किसान को, जो मृत किसान है, कैंडल मार्च निकाला गया और उसको श्रद्धांजलि दी गई। शहीद उधम सिंह चौक पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। जी स्वाति जी, हर्ष, ये भी कहा जा रहा है कि अब जो आंदोलन लगातार किया जा रहा है 3 कृषि कानून को लेकर, उसके भी तेज करने की कवायद अब किसानों की तरफ से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, जब किसानों से इस बारे बात की गई कि सरकार को पिछले 9 महीनों से टस से मंच नहीं हुई है और लगातार आपका विरोध जारी है, आपने भारत बंद किया तब कोई असर नहीं हुआ, रेल रोको आंदोलन किया तब कोई असर नहीं हुआ, सरकार किसी भी हालात में आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, परंतु इसी पर किसानों ने कहा कि हम संयुक्त किसान मोर्चे के वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कब कोई मैसेज आएगा और उन्होंने कहा कि 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में किसान रैली है उसमें सरकार की ईंट से ईंट जा देंगे और उस रैली के माध्यम से हम दिखा देंगे कि किसान में अभी भी एकता है और लगातार किसान है, विरोध करेंगे और जो पिछले 9 महीने से सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती है और आगे इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। जी हर्ष, जिस किसान की मौत हो गई थी लाठीचार्ज में, क्या उसको लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है कि उसको, उसके परिवार को मदद दी जाएगी या फिर जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए स्वाति, अभी तक सरकार द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है और लगातार जो सरकार के लोग हैं वो यही तक भी सही बता रहे हैं। एडीजीपी लाइन ऑर्डर है नवदीप वीरक, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपने बचाव में लाठीचार्ज किया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने ठीक है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है गुलहचीका से, सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने पहुंचे थे तमाम किसान, इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया, लाठीचार्ज में जिस किसान की मौत हुई थी उसको श्रद्धांजलि भी यहां पर दी गई। गुस्सा रोष साफ किसानों में नजर आ रहा है और अब आंदोलन को तेज करने की बात भी किसानों की तरफ से की गई है कि अब आंदोलन जिस तरह से 9 महीने से चला आ रहा है उसको और तेज किया जाएगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले 9 महीने से जो किसान है वो लगातार बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं,